ये नदी से मुबारक है और सांप कैसे हमारा है ये मौत की कृपा कर दिया क्या किया जाएगा मौत को नहीं जिम्मा कर दिया जाएगा ताकि जन्नती भी देख लें जहन्नती भी देख लें कि अब मौत को भी मर गया अब मौत किसी को जन्नती आप हमेशा जन्नत में रहेंगे और जहन्नमी हमेशा ना मौत इधर आएगी ना मौत वो जहन्नम में चलते रहेंगे मगर मरेंगे जन्नती जन्नत में ऐश करेंगे मगर वहां भी मौत तो मौत एक मखलूक है मैं पहली बात को भी समझाना चाह रहा और हर शहर वजूद भी मेरे आका के कदमों के सदके से और हर शहर बाकी अगर इस कायनात के हैं तो वो भी मुस्तफा की कदमों की खैरात है सुभान अल्लाह कुरान कहता है ना बाबा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन प्यारे हमने आपको सहाबतों के लिए सहाबत रहमत सुभान अल्लाह जब सहाबतों के लिए रहमत हुए तो जहानों के अंदर जो कुछ हुआ उनके लिए भी तो रहमत उस मौत के लिए भी तेरी आकर रहमत हो गई ना बस वो रहमत की खैरात मिल रही है तो कायनात और वो मौत को अपने होने के लिए भी और अपने वजूद के लिए भी मेरे मुस्तफा के कदमों के खैरात की मुताल उसने मेरे आका को क्या वो मौत नहीं मान सकता तो फिर कोई अगर पूछे कि मौत आई क्यों थी वो क्या चल रहा है दोस्तों वो मौत आपकी और मेरी मौत की तरह की एक आम शख्स और अल्लाह के वली की मौत में जमीन आसमान और फिर औलिया और उनके मिसाल और अंबिया के मिसाल के जमीन आसमान और फिर दीगर अंबिया के मिसाल और खुद ताजदारे का अल्लाह से सलम के मिसाल में फिर वली कितना अल्लाह ने हर चीज अंबिया के इख्तियार में दी तो फिर हुआ क्या हुआ यह था बस सादा सी बात है अगर समझ में आ जाए हुजूर शेखुल इस्लाम ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया मैं मौत कोई हमारी मौत की तरह नहीं क्योंकि मौत ही एक मखलूक है तो जब मखलूक हुई तो उसको भी आकर करामत की खैरात मिल रही थी तो वो मौत हमारी तरह की नहीं थी बल्कि उस मौत में भी कि मौला जिस महबूब के कदमों के सदके मुझे वजूद दे रखा है कभी मुझे भी तो उनके तलवों को चूम दे वो तो आका को चूम नहीं आई क्या होगी वो आका को भाई वो भी तो मखलूक है ना उसका भी तो दिल चाहता होगा ना थोड़ा सा चूम उस मौत ने क्या किया ये तो मेरे आका की बात है अगली अकीदे की बात है कि मौत के आने की वजह से मौत के दरवाजे से गुजरने के बाद वो शख्स हमेशा के लिए मरता नहीं बस वो समझो कि मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरकर इंसान अपनी जिंदगी के एक मरहले से दूसरे पर चले जाता मैं अभी नबियों की बात नहीं कर रहा वलियों की बात नहीं कर रहा आम कलिमा पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त का कीदा सजाते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि एक कलिमा पढ़ने वाला शख्स हो गया गैर मुस्लिम हिंदू से तो वो भी दरवाजे से गुजरने के बाद बल्कि उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखना सुभान अल्लाह हर कोई जिंदा है हर कोई जिंदा है फर्क क्या है फर्क बड़ा जमीन आसमान का है कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागात में से एक बात पर और काफिर और बदअकीदा शख्स की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से खड़ा कर रहा है मगर जिंदा कोई पूछे कैसे तो कुरान की आयत सुन ले इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में एक मकाम पर एक ही आयत में इंसानी जिंदगी के पांच मुख्य बंधनों का जिक्र तो मैं कई फतह फरूना बिल्लाह वकुंतुम अमवात
कि पहले तो हालत मौत में फहाया को फसोस ने तुम्हें से कर दिया। मैं सोच रहा पांच करोड़ पर आप सबसे पहले मरने को अल्लाह रब ने जब मौत से कर दिया फरमाया पहले तो हालत मौत में और ये जो मौत वाला मरहला गुजरा याद रखिए ये भी इंसान पर गुजरा जिस पर गुजरा है फरमाया कौन तुम इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब इंसान तो था मगर वो जिक्र के लिए ये इस दुनिया में आने से पहले की बात हो इंसान का आगाज मां के पेट से विलादत के बाद नहीं इंसान उससे पहले भी जिंदगी गुजारता वे देखे ना नौ मास तो मां के पेट के अंदर भी गुजारता है ना और उससे पहले आदमी हवा में भी कोई जिंदगी गुजारता बारी ताला फिर फरमाया फा या बस उसने तुम्हें जिंदा कर दिया पैदा हुए और इस दुनिया में आगे की जिंदगी है फिर क्या आया फरमाया सुम्मा युमीतु को इस जिंदगी के बाद फिर वो दोबारा फिर मौत की बात है और ये वो मौत है जिसका नजारा सुबह शाम हम अपनी आंखों से करते हैं और कुरान कहता है मैं तो नफ्स से और नफ्स को बहुत मगर वो हमेशा के लिए नहीं है फिर उसी आयत में बारी ताला ने फरमाया सुम्मा युमीतु इस मौत के बाद इस जिंदगी से मुराद जो क्यामत वाले दिन जिंदा करना नहीं उसका जिक्र आगे आ रहा है सुम्मा ही नहीं है तुम जाओगे ये पांचवा मरहला है कि तुम पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना और ये जो सुम्मा युमीतु फरमाया इससे जिसने इस पर प्रयागर फरमाया कि अभी दफन करने वालों के कदमों की आवाज उस जाने वाले के कानों तक पहुंच रही होती है उसे कब्र के द्वारों से करता अभी ये आयत मैंने पढ़ी है इसमें कोई नबियों का जिक्र है कोई वलियों का वो खास बात के कलमा पढ़ने वालों के साथ ही होता है यह हर इंसान की बात फरमाया